बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र आज भले ही इंडस्ट्री का बड़ा नाम हो, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से साफ इनकार कर दिया था। शांताराम ने उन्हें कोई भी रोल देने से साफ मना कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें कहा गया कि अगर कोई जूनियर एक्टर नहीं आता है तो उनसे काम करवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए वह रोड सेट के चक्कर काटा करते थे। इस काम के लिए उन्हें 105 रुपये महीने की पगार मिलने वाली थी और उन्होंने बिना कुछ सोचे तुरंत हामी दे दी थी। जितेंद्र अपने 3 दशक लंबे करियर में अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने डांस के लिए भी खास तौर पर पहचाने जाते हैं। उनका एकदम अलग तरह का डांसिंग स्टाइल आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। इसी के चलते उन्हें इंडस्ट्री से जंपिंग जैक नाम मिला था। जितेंद्र ने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म में भी काम किया जिसके टिकट ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से भी ज्यादा बिके थे। इतना ही नहीं, उनकी इस फिल्म ने चाइना बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। जितेंद्र ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्मों के लिए भी काम किया जो लोगों के जहन में बस गई। इन फिल्मों में निभाए उनके किरदार लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितेंद्र ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल निभाए हैं। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने हिम्मत वाला और मवाली जैसी कई यादगार फिल्मों में शानदार एक्टिंग की परिचय या किनारा जैसे फिल्मों में भी उन्होंने लोगों का दिल जीता। लेकिन जितेंद्र की एक फिल्म ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया था जिसे दोबारा दोहराने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 40 साल लग गए। अपने दौर में जितेंद्र ने तकरीबन हर एक्ट्रेस संग काम किया है। वह अपने हर किरदार में जान डाल दिया करते थे। अपने किरदारों से एक्टर ने फैंस को अपना मुरीद बना रखा था। चढ़ती जवानी, मेरी चाल मस्तानी, दया ये मैं कहां फंसी, दिल ब दिल से प्यारे, कितना प्यारा वादा है, और पिया तू अब तो आजा, ये ऐसे गाने हैं जो आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे गाने एक ही फिल्म के हैं? ये गाने जितेंद्र और आशा पारेख स्टार फिल्म कारवां के हैं। ये एक बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि कारवां ने 1971 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 3,60,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन किया था। भारत में रिलीज के 8 साल बाद जितेंद्र की ये फिल्म चीन में रिलीज हुई। भारत में लोगों को अपना दीवाना बना चुकी इस फिल्म ने चीन में भी लोगों का दिल जीता। इस फिल्म का क्रेज लोगों को ऐसा चढ़ा कि कुछ ही दिन में राज कपूर की आवारा का रिकॉर्ड टूट गया, जो एक बहुत बड़ी ओवरसीज हिट थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारवां के करीब 8,80,00,000 से ज्यादा टिकट बिके, जबकि भारत में 8 साल पहले हिट हो चुकी जितेंद्र की इस फिल्म के लगभग 1,90,00,000 टिकट बिके थे। इस फिल्म को कई कई बार रिलीज किया गया। साल 2000 में आया एक आंकड़ा कहता है कि चीन में जितेंद्र की फिल्म के कुल टिकट बिकने की गिनती 30 करोड़ से ज्यादा थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी स्टार फिल्म शोले 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसे भारत की सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे। कंपेयर में देखें तो जितेंद्र की कारवां के लिए फिल्म के लाइफ टाइम में 31 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। ओवरऑल देखा जाए तो एशिया में कारवां का ग्रॉस कलेक्शन 1,300 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। चीन में इस तरह की अपार सफलता पाने के लिए किसी दूसरी हिंदी फिल्म को लंबा समय लगा था।